कि रांची की तरफ से एनएच पे आ रहा है और उसमें कुछ नारकोटिक्स के पदार्थ पे लदा हुआ है। आई सूचना के तुरंत हमने टीम का विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर रामगढ़ पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। करीब 85 लाख के नशीले पदार्थ डोडा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो पंजाब के बठिंडा का रहने वाला है। इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने एक संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से दी। पंजाब के बठिंडा निवासी बालकरण सिंह एक ट्रेलर के मालिक संचालक है जिसने उड़ीसा के राउरकेला स्टील प्लांट से अपने ट्रेलर में लोहे का रॉड लोड कर पंजाब के बटाला के लिए जा रहे थे। रास्ते में सिमडेगा से इसने 28 बोरी डोरा भी लोड किया जिसको लोहे के रॉड के नीचे छिपाकर रखा था। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने एक टीम का गठन किया जिसका नेतृत्व SDPO रामगढ़ परमेश्वर प्रसाद ने किया और ट्रेलर के मालिक संचालक को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। इस व्यक्ति के पास से 28 बोरी डोडा बरामद हुआ जिसका वजन 538 किलो है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि मुझे गुप्त सूचना मिली थी कि रांची की तरफ से एक बड़ी गाड़ी पर नारकोटिक्स पदार्थ लगा हुआ है जो रामगढ़ की ओर आ रहा है। सूचना के बाद तुरंत एक टीम का गठन किया गया जिसका नेतृत्व SDPO परमेश्वर प्रसाद ने किया जिसने त्वरित कार्रवाई करते हुए NH-33 पर गंडके मोड़ के समीप उस ट्रेलर का पीछा किया। इसके बाद वो ट्रेलर और ही ज्यादा तेज गति से भागते हुए आगे जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसके बाद उस ट्रेलर के ड्राइवर से पूछताछ करने के बाद पता चला कि उसमें लोहे के रॉड के ऊपर बोरियों में कुछ डोडा जैसे नशीले पदार्थ को बोरियों में रखा गया है जिसकी जाँच DD किट से करने पर पता चला कि ये वो अफीम का डंठल डोडा ही है। उसका कुल वजन 538 किलो है जिसको 28 प्लास्टिक की बोरियों में भरकर रखा गया था। ये गाड़ी लोहे को उड़ीसा राउरकेला स्टील प्लांट से लोड कर चली और सिमडेगा में इन बोरियों को इसमें लोहे की आड़ में लोड किया। पकड़े गए इस नशीले पदार्थ का बाजार में कीमत करीब 81 से 85 लाख रुपए है जिसे पंजाब के बठिंडा ले जाया जा रहा है। रांची की तरफ से NH पे आ रहा है और उसमें कुछ नारकोटिक्स पदार्थ उस पर लदा हुआ है। आई सूचना के तुरंत हमने एक टीम का गठन किया जिसमें हमारे SDPO परमेश्वर प्रसाद और हमारे रामगढ़ थाना प्रभारी कृष्ण कुमार और उनके बल के साथ में बल और त्वरित कार्रवाई करते हुए जब ये लोग NH पे गए तो वहाँ पे गंडके घाटी के पास में एक ट्रेलर बहुत तेज़ी से भाग रहा था और उसको रुकने का इन्होंने इशारा किया बट वो तेज़ी से भागता चला गया और आगे जाके वो ट्रेलर एक्सीडेंट भी कर गया। और जब उस ट्रेलर को उसके ड्राइवर को पकड़ा गया और जब उसके विधिवत उसकी तलाशी ली गई तो देखा गया उस ट्रेलर में डोडा जैसा पदार्थ है जिसको कि DD किट के माध्यम से भी उसको जांच की गई तो पाया गया कि वो अफीम का जो डंठल डोडा होता है वो है और जो कि वो जब उसका वजन कराया गया टोटल वो 538 kg पाया गया है जो कि 28 प्लास्टिक की बोरियों में पाया गया था। और जो यह इसमें लोहा भी भरा हुआ है जिसके लोहे की आड़ में राउरकेला से वो लोहा लोड किया गया था उस ट्रेलर पे और जाके सिमडेगा में इसमें उस बोरियों को उस डोडा को लोड किया गया उसके उसको नीचे रख के ऊपर से लोहा रख दिया गया ताकि पता नहीं चले। लेकिन हम लोग को पुख्ता सूचना प्राप्त हुई और हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई की और इसमें 538 kg डोडा और ड्राइवर की पकड़ाया है उसके ड्राइवर की गिरफ्तारी की। ये टोटल इसकी कीमत बाजार मूल्य के हिसाब से ये 81 से 85 लाख रुपए की कीमत की यह पूरा डोडा है और यह पंजाब बठिंडा ले जाया जा रहा है।